आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, जिसमें आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। समस्थानिक, समभाजिक और समन्यूटानिक का अर्थ एवं एक एक उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है, का अर्थ बताना है एक एक उदाहरण देकर। और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2013 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में। ये क्वेश्चन इतनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका, देखिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया है 2019 तक, ये सेम पूछा गया। फिर 2020 में कैसे पूछा है उन्होंने, 2020 में पूछा है कि समस्थानिक और समभाजक का समझाइए। 2020 में पूछा था कि समस्थानिक, ये क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज चेंज कर दी और पूछा समस्थानिक और संभारिक, ये 2020 में आपने पूछ लिया, इतना ये चेंज कर दिया, ठीक है। और इसके बाद में ये पूछा आपसे 2020 में इस टाइप का। अगर 2022 की बात करें तो आपसे पूछा समस्थानिक और संभारिक नाभिकों में अंतर बताइए, क्या पूछा, समस्थानिक असंभारिक, असंभारिक नाभिकों में अंतर ये पूछा। तो मतलब क्वेश्चन सेम वही है, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूटानिक, क्वेश्चन वही है पूछा अलग अलग साइड से। तो 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग बिल्कुल लास्ट से जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम लोग आपको यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर समस्थानिक क्या सीखेंगे, सबसे पहले समस्थानिक समझेंगे यहाँ पर, समस्थानिक क्या होता है समझो पहले। देखिए आप जानते होंगे स्थान क्या कहते हैं, स्थान जगह, मतलब क्या है स्थान, इस कहते हैं परमाणु क्रमांक का आपका, जैसे 1, 2, 3 नंबर, तो स्थान ऐसे याद करो कि जब सम माने क्या होता है समान, तो इसके समझो थोड़ा सा, ये भी समझाते हैं थोड़ा सा। देखिए सम लिखा हुआ है सम माने समान, स्थानिक माने स्थान, जिसका स्थान समान हो यानी जिसका परमाणु क्रमांक समान हो, बस वही समस्थानिक होता है। तो इसके डेफिनेशन कैसे लिखेंगे ये समझो, इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, लिखेंगे किसी, इसको अपनी कॉपी पर भी नोट कर लेना, ठीक है, किसी एक ही तत्व के ऐसे, किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक और परमाणु क्रमांक को क्या कहते हैं, प्रोटॉनों की संख्या, क्या कहते हैं, प्रोटॉनों की संख्या भी कहते हैं परमाणु क्रमांक को, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या। क्या लिखा हमने, किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक कैसे हो, लिखा समस्थानिक समान हो, क्या लिखेंगे, समान हो, परमाणु क्रमांक समान हो, परंतु क्या होगा यहां पर, देखो समझना बात, परंतु द्रव्यमान संख्या, परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो, ऐसे लिख सकते हैं, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं, जैसे कहते हैं समस्थानिक, तो हो जाएगा आपका समस्थानिक कहलाते हैं, समझिए आप लोग यहाँ पर। समस्थानिक क्या होता है कि किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक, यानी परमाणु क्रमांक को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक को कह सकते हैं कि जिनके परमाणु क्रमांक को क्या कह सकते हैं, जिनके प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परमाणु क्रमांक समान हो, परंतु
द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। क्लियर हुई बात? आपसे पूछा गया है, कहा गया था कि उदाहरण देकर समझाइए। अब उसका एग्जाम्पल समझ लीजिएगा आप लोग, एक इसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें कार्बन की, तो कार्बन के लिए परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। इसका द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार जिसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या है इसे परमाणु भार भी कहते हैं, ठीक है? ये बात भी ध्यान रखना आप लोग, नहीं तो चक्कर में पड़ जाए। भार परमाणु भार भी होता है, ठीक है? इसका समस्थानिक क्या होता है? C6 12 हो गया, एक एक 13 का भी होता है इसका, एक होता है C6 14, ये इसके समस्थानिक हो जाएंगे। परमाणु क्रमांक सेम है कार्बन का, लेकिन द्रव्यमान संख्या या ये संख्या के ऊपर लिखी हुई, इसी को कहते हैं द्रव्यमान संख्या, ठीक है? इसका देखिए कलर चेंज कर रहे हैं यहाँ पर हम, समझना। ये लिखा हुआ 12, ये इसकी क्या है? द्रव्यमान संख्या है। यहाँ पर ऐसे ही आपका लिखा हुआ 13, इसकी द्रव्यमान संख्या, ये 14 इसकी द्रव्यमान संख्या। तो इसमें क्या है? ये 6 जो दिया गया है ये प्रोटान इसमें है, ठीक है? इसे हम प्रोटान कह लें या इसे हम परमाणु क्रमांक कह लें। ये परमाणु क्रमांक सभी में 6 है, तो इसका मतलब क्या है? परमाणु क्रमांक आपका समान है इसमें। क्लियर? अब देखिए जैसे अगला सवाल, इसमें अगला एग्जाम्पल अगर हम लें, अगर हम लोग यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम की, तो होता है देखिए यूरेनियम परमाणु क्रमांक कितना होता है? 92। परमाणु भार होता है इसका 235। एक इसका समस्थानिक होता है, उसका होता है यूरेनियम 92। इसका परमाणु क्रमांक इसका होता है 238। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर देखो 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 238, यहाँ पर भी आपका परमाणु क्रमांक समान है। बस यही हमसे कह रहा है कि समस्थानिक क्या होता है, कि जहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक समान हो समस्थानिक होगा, ठीक है? अब बात है, समस्थानिक हो गया, अब संभारिक समझो। क्या समझना है? संभारिक। अब संभारिक को समझेंगे, संभारिक क्या होता है, ठीक है? इसको समझो आप लोग सही तरीके से, समझने का इसको प्रयास कीजिएगा, समझ जाएंगे आप लोग। इसमें लिखेंगे कि विभिन्न, इसको कॉपी में नोट कर लेना, सही से तैयार कर लेना, विभिन्न तत्वों के, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो। भार जानते हो क्या होता है? परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या, ठीक है? जिनकी द्रव्यमान संख्या जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, बस सिर्फ उसका उल्टा कर देना है, बस भिन्न भिन्न हो, ये क्या कहलाएंगे आपके? संभारिक। संभारिक कहलाते हैं। बात समझ में आई? सिर्फ क्या चेंज हुआ? थोड़ा सा चेंज ये हुआ है कि जो समस्थानिक होता है उसमें लिखा है कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। आपको एग्जाम्पल दे दिया, और इसमें सेम सिर्फ उसका उल्टा किया गया। यहाँ पर कहा गया है कि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, उसे समभारिक कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल समझो, इसमें क्या होता है? इसमें द्रव्यमान संख्या सेम रहती है। जैसे अगर हम नाइट्रोजन के लिए बात करें, तो नाइट्रोजन के लिए होता है, देखिए नाइट्रोजन N कितना होता है परमाणु क्रमांक 7 इसका, और परमाणु भार कितना होता है इसका? ये होता है 14। और इसका देखिए कार्बन का अगर बात करें, तो कार्बन का भी एक होता है जैसे 6C होता है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, और भार इसका 14 होता है। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ, ये भी इसका एक, ठीक है? एक परमाणु ये हो गया। अब आप लोग यहाँ पे देखो, कंपेयर करो उसकी, एग्जाम्पल तो एक ही हो गया आपका। इसमें जब आप लोग कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो कंपेयर करने में पाएंगे यहाँ पर कि देखिए नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना है? द्रव्यमान संख्या 14 है, कार्बन की कितनी? 14 है। तो यहाँ पे क्या हो गया? तो ये तत्व तो जो हो जाएंगे एक दूसरे कैसे हो जाएंगे? ये तत्व तो है संभारित तत्व हो जाएंगे। एक तो एग्जाम्पल आपका ये हो गया। अगर आप दूसरा एग्जाम्पल समझना चाहें, तो दूसरा समझ सकते हैं, वो समझिए आप लोग यहाँ पर। जैसे ऑक्सीजन है आपका, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। भार कितना होता है? 17। ऐसे फ्लोरिन है आपका, फ्लोरिन F, परमाणु क्रमांक 9, परमाणु भार 17 होता है। तो ये इसके समस्थानिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये इसके समस्थानिक हो जाएंगे।
ठीक है, तो ये हो गए समस्ता, सॉरी समस्ता नहीं, संभारी हो जाएंगे। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पर? संभारी का ये, इसके संभारी हो जाएंगे। तो आप लोग संभारी को भी समझ गए यहाँ पर कि संभारी क्या है। अब हमें क्या समझना है, देखो यहाँ पर हमारे क्या क्या था, समस्थानिक, संभारिक और सम न्यूटानिक। बस सम न्यूटानिक को समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या समझते हैं, सम न्यूटानिक। तो हम लोग क्या समझेंगे, अब सम न्यूटानिक समझेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर खुद लिखा हुआ है, इसको पढ़ने से ही पता लग जाएगा। सम न्यूटानिक, सम माने समान, न्यूटानिक माने जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। लिख दें वे तत्व, क्या परिभाषा हो जाएगी कि वे तत्व जिनके नाभिक में, वे तत्व जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, वे तत्व जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, समान होती है, सम न्यूटानिक कहलाते हैं। सम न्यूटॉनिक कहलाते हैं। वे तत्व जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूटॉनिक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल समझो आप लोग पहले, ठीक है। जैसे न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालोगे, एग्जाम्पल समझो। जैसे लिखा हुआ है सेवन, ये किसका होता है, परमाणु एन का होता है, नाइट्रोजन का, और 15, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, ठीक है, एक तत्व है। और लिखा हुआ है ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है या 8। ये दोनों कैसे हैं, ये सम न्यूट्रॉनिक हैं। कैसे न्यूट्रॉन निकालोगे, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालोगे, न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे आप लोग। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 7, आपका जो 7 है ये है परमाणु क्रमांक, क्या है ये, आपका परमाणु क्रमांक है, और ये परमाणु भार द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो परमाणु भार, भार से आप क्रमांक घटा लें, घटाओ कितना आ जाएगा, 15 से 7 घटाओगे क्या आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। तो इसमें कितने न्यूट्रॉन हो गए, 8। दूसरे वाले में चेक करो, 16 से आपके 8 जाएंगे, क्या बचेगा, 8। तो न्यूट्रॉन इसमें भी 8 हो जाएंगे, न्यूट्रॉन इसमें भी 8 हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा हो गया, ये सम न्यूट्रॉनिक हो गया। तो यहाँ पर क्या दिया गया था हमें, यहाँ पर हमसे सिर्फ तीन, ये देखिए हमें ये बताना नहीं है क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये कुछ नहीं बताना हमें यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ समझाया है, आपको इतना यहाँ तक लिखना है बस। तो इस प्रकार से जो है आपका एक क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आता है बहुत बार आ चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, तो इसलिए आप लोग इसको सही तरीके से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक।